नमस्कार, मैं दिनेश्वर महाराज, आप सभी का नव दुर्गा शक्ति पीठ पर स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज। आप ही बताइए, यहाँ आके क्या मिला? अच्छा मिला, सुकून मिला, आनंद मिला, और घर जाके जिस काम के लिए आया हूँ वो काम हो गया, तो और महा आनंद आएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। और जितनी परेशानियाँ लगी हुई हैं, मुझे लगता है जिस हिसाब से मैं महसूस हूँ, घर जाके मुझे खुशखबरी मिलेगी। और ये देव अगर मेरा सफल होता है तो मैं कोशिश करूँगा कि जीवन भर मैं आपके साथ जुड़ा रहूँ, और आपके माध्यम से जो लोग भी परेशान हो रहे हैं उन्हें मार्ग मिले, उनके जीवन में शांति आए, उनकी परेशानी। और अगर उत्तराखंड में अगर ऐसे दरबार खुले तो मैं ये चाहूँगा कि उत्तराखंड में खुलना चाहिए, और जो ये अधम और राक्षस लोग बैठे हुए समाज में, जिन्होंने समाज खा रखा है, जो इंसानों को खा रहे हैं, इंसानों का चमड़ा खा रहे हैं, इनको इनकी औकात का पता चल। तुम्हें ये पता नहीं है, दिलेश्वर महाराज के पास लोग आते हैं ना बड़े मुश्किल से, और जब आ गए ना तो रिटर्न जाते नहीं है, ठीक है? दिलेश्वर महाराज के पास ये पेश है ना तुम्हारा, तुम्हारा अभी का ये वीडियो जाएगा तो इसका मतलब नहीं कि अभी का वीडियो तुम्हारा नहीं मिलेगा, ये हमेशा मिलते जाएगा। क्यों? यहाँ सत्यता चलता है, सत्य और धर्म की जीत होनी चाहिए। अधर्मी, अधमी, पापी, राक्षस और नीच लोग हैं जो समाज में फैले हुए हैं, इंसान के चमड़े में हैं लेकिन अंदर से पूरे राक्षस हैं, जो चमड़ा खा रहे हैं, जो सनातन के होके ही सनातनियों को खा रहे हैं, ऐसों का नाश होना चाहिए। ये मेरी प्रत्यक्ष, ये गुरु जी से मेरा निवेदन है, और ये गुरु जी से मेरा बहुत बहुत मेरी रिक्वेस्ट है, गुरु जी ऐसे पापियों और नीचों जो तांत्रिक जो दैवीय शक्तियों का गलत उपयोग कर रहे हैं, लोगों के जीवन को खराब कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ऐसों का नाश होना चाहिए, ऐसा का समूल ही नाश होना चाहिए। और अगर सत्य की विजय होनी है तो ऐसे पुरुषों का आगे आना बहुत आवश्यक है। मैं गुरुजी से विनम्र निवेदन करूंगा कि समाज में जिस तरह आगे चल रहे हैं ऐसे आगे चल के ऐसे पापियों का नाश करें। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने अवर्ड को बुला के सीधा दे दिया ना, तुम्हारे घर में जो लगे, तुम्हारे देखा लगे, जो आगे भी अपनी छत्रछाया बनाए रखिएगा, क्योंकि जब मेरे को जीवन में इन चीज़ों का पता नहीं था तो मैं इन चीज़ों को मानता नहीं था, लेकिन जब मैं भुक्तभोगी हुआ तो मुझे पता चला कि इंसान की खाल में ही ऐसे ऐसे राक्षस बैठे हुए हैं हमारे समाज में। दिखते तो इंसान है, अंदर से पूरे ही राक्षस हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में तो राक्षस जंगलों में रहते थे, ये कलयुग में ना वो हमारे समाज में, हमारे घर के बगल में, और हमारे दोस्तों के नाम पे, हमारे रिश्तेदारों के नाम पर बैठे हुए हैं। तो इन राक्षसों को पहचानना है और ऐसे राक्षसों का नाश होना चाहिए। मैं ये बोलो गुरु, गुरु दिनेश्वर महाराज की जय, गुरु दिनेश्वर महाराज की जय, भारत माता की जय।